राधे, मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का मैं जो दिव्य प्रयोग लेकर के आया हूँ, वो प्रयोग उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने लोगों को रुपए तो उधार दे दिए। भैया, कोई आपके पास आया रोते हुए गड़गड़ाते हुए आपसे मदद मांगने कि मुझे कुछ रुपया उधार दे तो मैं आपके वापस कर दूंगा। आपने चलो दे दिए, इंसानियत के नाते दे दिए, दोस्ती के नाते दे दिए, व्यवहार के नाते दे दिए, पर आपको ये नहीं पता था कि मैं जो रुपए दे रहा हूँ, जो व्यक्ति लेने आया अभी तो रोते हुए लेने आया, पर जब उसकी देने की बारी आएगी तभी देगा नहीं। आपको तो नहीं पता था ना, पर ऐसा आपके साथ हो गया। लोगों के लाखों करोड़ों रुपए ऐसे ही फंसे हुए हैं और फंसा हुआ धन मिलने का नाम नहीं ले रहा है। परेशान उन्होंने भी कहीं से किसी से लेकर के आपकी मदद की थी। इस जीवन में सबसे बड़ा पाप है किसी से रुपए ले लेना फिर उसको वापस ना करना। वो एक अलग बात है कि आप अभी नहीं वापस कर पा रहे किन्हीं कारणों कारण, पर आप कभी वापस करना ही नहीं चाहते किसी को रुपए। ये बहुत बड़ा श्राप है और बहुत बड़ा पाप है। इस पाप को हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है अपने जीवन में। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, जिस किसी ने भी किसी से रुपए उधार लिया है उसका रुपए उसे वापस कर देना चाहिए। अब जैसे आप लोगों को रुपया तो फंसा हुआ है, मार्केट में फंसा हुआ है, किसी को आपने दिया हुआ है, पर रुपया पैसा वापस नहीं मिल रहा है, क्या करें उसके लिए? आपने बहुत से प्रयोग किए, पर आज मैं जो आपको प्रयोग बताने जा रहा हूँ, इस प्रयोग से आपका जो भी रुपया फंसा हुआ है, जिस किसी व्यक्ति से आपको रुपया लेना है, कितना भी रुपया लेना हो, सब रुपये आपका मिल जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सारा रुपये आपको, एक एक रुपये आपको वापस मिल जाएगा। आज का मैं जो दिव्य प्रयोग बताने जा रहा हूँ, बस प्रयोग आप लोग पूर्ण श्रद्धा भाव से करिए, इस चीज का ध्यान रखिए। पूर्ण श्रद्धा भाव से प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही ये प्रयोग मैंने बहुत से लोगों को पहले बताया है वीडियो में, मैं अभी पहली बार बता रहा हूँ यूट्यूब में, पर पहले मैंने बहुत से लोगों को बताया, उन लोगों का फंसा हुआ सारा रुपये एक एक करके वापस मिल गया है। और मैं आशा करता हूँ कि आप जितनी फैमिली मेंबर के सदस्य मुझे देख रहे हैं, आपका भी सारा फंसा हुआ रुपये वापस मिल जाएगा। पर बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। अब देखिए आपको करना क्या है, ये उपाय आपको या तो पूर्णिमा तिथि वाले दिन करना है या अमावस्या वाले दिन करना है। ध्यान रखिए, पूर्णिमा तिथि वाले दिन या अमावस्या वाले दिन सुबह सुबह बढ़िया स्नान ध्यान करके आपको एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में जल भर लीजिए। तांबे के लोटे में जल भरने के बाद लाल मिर्च के 11 दाने, लाल मिर्च के 11 सफेद दाने होते हैं, वो आपको 11 दाने उस लोटे में डाल लेने हैं। जल चढ़ाने से पहले ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ऐसा आपको शुरुआत में सामने हाथ जोड़ करके 108 बार जप करना है। जब आप जप कर ले 108 बार, उसके बाद जो आपका तांबे का लोटा लिया उसमें लाल मिर्च के 11 दाने डालिए और फिर आपको जल चढ़ाना है सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय आपको जिस किसी व्यक्ति से जो रुपए चाहिए, जो आपके रुपए फंसे हुए हैं, जितने भी रुपए चाहिए, वो प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे रुपए इस व्यक्ति के पास इतने समय से फंसे हुए हैं, जल्दी से जल्दी आप कृपा करिए कि मेरे सारे रुपए मुझे वापस मिल जाए, ऐसा आपको जल चढ़ाते हुए कहना है। अमावस्या वाले दिन उपाय करिए, आपको पूर्णिमा वाले दिन उपाय करना है। दो तिथि में से आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही समय बाद आपका जो फंसा हुआ रुपए था, इस प्रयोग को करने के कुछ ही समय बाद सारा रुपए धीमे धीमे आपका मिलने लग जाएगा और सारा रुपए आपको वापस मिल जाएगा। निश्चित ही आप इस प्रयोग को करिए। इसके साथ साथ आप एक हमारे यहाँ से सर्वकार सिद्धि यंत्र अवश्य मंगवा लें। सर्वकार सिद्धि यंत्र का प्रयोग क्या है, वो सारे कार्यों की सिद्धि करता है। यहाँ पे आपका कौन सा कार्य सिद्ध होना है, यहाँ पे आप अपने रुपए वापस चाहते हैं, इस कार्य की सिद्धि होनी, तो आप हमारे यहाँ से सर्वकार सिद्धि यंत्र अवश्य मंगवाइए, जो प्राण प्रतिष्ठित अभिमंत्रित और सिद्ध होकर के आपको प्राप्त होगा। उस यंत्र की पूजा करिए और ये प्रयोग करिए, सारा रुपया आपको मिल जाएगा, चाहे भले हजारों लाखों करोड़ों रुपए कितना रुपया आपका फंसा हुआ हो। इसके अलावा यदि आपके जीवन में और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, और भी कोई समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है, निसंकोच आप मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, क्योंकि आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि आपके जीवन में कभी भी कोई दुख ना रहे, हमेशा आपके जीवन में सुख ही सुख रहे, सारा दुख आपके जीवन से दूर हो जाए। इसलिए आप मुझे कॉल भी करिए, मैसेज भी करिए, निसंकोच होकर करिए, कोई संकोच की कोई बात ही नहीं। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है, आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, आनंदमय रहें। राधे राधे।